सो हमारे यहाँ महीने के एक बार, महीने के नहीं महीने में एक बार हम जो है ओया खाना खा ही लेते हैं, मम्मी और मैं स्पेशली। या तो दाल में बना लिया उनके तरीके से, कोई एक करी बना लिया या कुछ फ्राई बना लिया उनके तरीके से। तो आज जो है बहुत कुछ ओडिया स्टाइल में बनेगा। बहुत कुछ क्यों, मैंने सोचा कि आज सब कुछ ही ओडिया तरीके से बनाएगा। तो यहाँ देखो मैंने बहुत सारी सब्जी काट के रखा है, तो मैंने सोचा कि सब्जी वब्जी काट के रखती हूँ वरना बहुत टाइम चला जाता है। तो यहाँ पे कुंदरू, यहाँ कद्दू, यहाँ ड्रम स्टिक्स और कारकोन को क्या बोलते पता नहीं मुझे, और क्या है इसमें, तुरई है, तुरई बोलते हैं ना, तो तुरई भी है। तो आप अपने मनपसंद जो सब्जी है वो भी ले सकते हो। मैंने हमेशा जो आपको दालमा दिखाया है जो मेरी मम्मी बनाती है, आज मैं आपको दालमा दिखाऊंगी जो ओडिया फैमिली में नॉर्मली ज्यादातर ओडिया फैमिली में एकदम टिपिकल दालमा जो होता है ना वो कैसे बनता है। और ये भी मैंने अपनी वन ऑफ माई टिपिकल ओडिया फ्रेंड से लिया हुआ है, तो उसका घर का रेसिपी है वही बनाते हैं। बहुत टेस्ट लगता है, बहुत टेस्ट लगता है, मतलब महीने में एक दो बार तो हम ओडिया खाना खा ही लेते हैं। और आज का कुकबंग है एकदम ओडिया, टिपिकल ओडिया थाली में भी अगर एक दो चीज में अपने घर का मिला दू तो मिला दू, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि सब कुछ जो है पूरा ओडिया स्टाइल में हो, बट ठीक है। अच्छा, इसमें कटहल के दाने भी जाते हैं, ऐसा नहीं आप सब कुछ मिला सकते हो, बट हमारे पास दाने हैं तो व्हाई नॉट, दाने भी ले लेंगे। दालमा के लिए जो जो चाहिए हम सारा काट लिए, अभी हम बस दाल चढ़ा लेते हैं। बैंगन भी करता है, बैंगन भी डालेंगे। अदरक डालिए, बस इतना ही है। आप इसमें बहुत तरीके के दाल को मिक्स करके डाल सकते हो, जो मेरे पहले वीडियो में भी है। इसको कवर कर देते हैं ताकि इसमें बॉयल जल्दी से आ जाए। फेवरेट कॉम्बो ऑफ दालमा, सो ओडिया लोग क्या करते हैं, दालमा जिस दिन बनता है ना तो उनके घर में अरुआ चावल होता है, यानी कि जीरा राइस बोल लो जो चावल होता है ना वो होता है, नहीं तो नॉर्मल टाइम में जो है बॉइल्ड राइस खाते हैं जो बंगालीज भी खाते हैं। तो जिस दिन दालमा बनता है तो मैंने देखा उनके घर में अरुआ राइस भी बनता है, तो आज जो है हमारे घर में बना नहीं, मैं भी चढ़ाऊंगी, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी ये फेवरेट वाला कॉम्बो ही बनाऊं। सो बहुत पसीना निकालने के बाद थोड़ा सा जो है निकला है, अब जितना भी हुआ है ना उतना इनफ है, अपना काम में लगा सकते हैं।
से घोट ले रहे, बट मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो दाना दाना खाना ज्यादा पसंद करते हैं, बट हमारे घर में मम्मी को पसंद नहीं इतना दाना दाना, तो मैं थोड़ा सा घोट ले रही हूँ। अब जितना दाल चाहिए उतना पानी। इसमें जाएगा नमक, थोड़ा सा जो उबाल आया है ना उसको निकाल दो। अब इसमें सारी सब्जियां चली जाएंगी, सब कुछ जो है इसके साथ बॉईल हो। छिटक गया रे, इस तरह से ढका लेते हैं। सब कुछ डाल दो, इतनी सब्जियां हैं आपके पास। चले जाओ। ओके, बस टमाटर को मत देना, टमाटर इसके साथ नहीं गलने से होगा। उसको ना हम लोग जब इसका तड़का लगेगा ना हम तब यूज करेंगे उसको। फ्लेम हाई रखो। अब इसके साथ बहुत अच्छे से इसको बॉईल होने दो, और साथ में हम दे देंगे ये नारियल पूरा हुआ जो है। माँ ओ मैं आ रही हूँ, ये तो नहीं दे, इसको मैं पानी में रख दी हूँ। आप अपने मनपसंद जो जो सब्जी है ना वो सारा ले लो, दालमा जो है कोई माइंड नहीं करता, सारे सब्जियों के साथ ये बना देगा। और सारा ना इक्वल पोर्शन में लेना सारे सब्जियां, यानी कि अगर एक एक काट रहे तो सारा एक एक, दो दो काट रहे तो सारा दो दो। अब जब ये साथ में बॉईल होगा बनेगा ना, तब इसके सारे सब्जियों का फ्लेवर्स दाल में घुसेंगे, दाल के फ्लेवर्स सब्जियों में घुसेंगे, और फिर ये बड़े मजे की लगने वाली है। ओ मैं दाना भूल गई, दाना भी डाल लेते हैं, ये कटहल के दाने। सब्जियां बॉईल ले ली है तो और एक चीज हम बना रहे हैं, दैट इज सागो भजा। और ये जो लाल साग मम्मी काट रही थी ना वो वाला साग, वो भी हमारी तरह ही बनाते हैं, प्याज और लहसुन डाल के, तो भी बहुत अच्छा लगता है। बट वो मुझे लगता ही नहीं कि उड़िया का है, क्योंकि हम लोग भी सेम इसी तरीके से खाते हैं, बस उन लोग सरसों देते हैं तड़के में और हम लोग कलौंजी देते हैं, इतना ही मुझे फर्क लगता है। अब लाल साग हो या वो जो हरा वाला, उसमें लहसुन बहुत अच्छा लगता है। नॉन ड्रम स्टिक की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मतलब वैसे तो आ रही है सारी सब्जियों की खुशबू, पर ड्रम स्टिक का जो खुशबू इतना स्ट्रांग है, इतना अच्छा लग रहा है, मुझे क्या बताऊं। पंच फोड़न और जीरा, ये जाएगा हींग, थोड़ा सा अदरक, इसे और भी 10-15 मिनट बनाने देंगे हाई फ्लेम पे। इसमें देंगे कलौंजी, उसमें डालेंगे उसके बाद लहसुन, ये अनियन, आप चाहे तो ड्राई चिली भी यूज कर सकते हो। इसमें गया ये मसाला, इसमें ना ये जीरा को रोस्ट करके बस डाल देना है, जो मैं हमारे पास था पहले से, मतलब कल वाला था इसलिए मैंने यूज कर लिया, एंड इट्स डन।
गोल्डन फ्राई। डन। ये आज कितना कुछ बना लिया ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर मतलब बंगालीज में भी ना लंच में हम लोग बहुत कुछ लेके बैठते हैं, वैसे उड़िया लोग भी ना बहुत कुछ आइटम बनाते हैं, चाहे वो पखालो खा। सो लेट्स जस्ट क्विकली डिग इनटू दिस। बहुत जोरों का भूख लगा है मुझे, और जिस दिन मैं वीडियो बना रही होती हूँ ना, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ज़्यादा ना खाऊँ, ताकि मैं आराम से एकदम बहुत अच्छे से लंच खा सकूँ। मैं क्या बहुत आगे हो गई हूँ, पीछे हो गई हूँ, जो भी हो गया। लेते हैं अरवा चावल और राइस ना अभी जस्ट बना है, पता नहीं मैं कैसे खाऊंगी, ऊपर से फैन ऑफ है। दाल, मैंने बचपन में मैं ऐसे क्या बोलते हैं दाल माँ की फैन नहीं थी, क्योंकि एक्चुअली अवेलेबल था ना, तो इसलिए इतना फैन नहीं थी। बट मैं बड़े होने के बाद धीरे 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 सबके घर में टेस्ट करते करते अब मेरे को दाल माँ अच्छा लगता है। मतलब मुझे भी अरवा राइस के साथ दाल माँ बहुत पसंद है। माँ डाले जो नहीं है टर्निंग है बहुत भूख, तो मैं बता दूँ, मैं ऐसे आप लोग समझ गए होंगे। ये है आलू चोखा, ये है लाल साग होता है ना रेड स्पिनिच, उसका हम लोग प्याज लहसुन देके हम भी फ्राई बनाते हैं, और ओडिया लोग भी ये फ्राई बहुत अच्छे से खाते हैं। और हम इसमें कलौंजी का तड़का देते हैं, बट मैंने उनको देखा है मस्टर्ड का तड़का देते हुए, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट मुझे जहाँ तक याद है मस्टर्ड का ही तड़का पड़ता है। और ये वैसे तो नहीं बनना था, बट आज फ्रेश जो है प्रॉन आया था घर पे, तो मम्मी ने थोड़ा सा बोला कि हल्दी नमक से फ्राई कर लो, बट ये उनके यहाँ पे भी सेम ऐसे ही बनता है। बस एक चीज जो हमने अभी बनाया नहीं और बहुत भूख लग गया है, दैट इज दालमा के साथ ना एक नींबू नमक और मिर्ची ऐसे मल के एक ये होता है, क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, बट दालमा के साइड में हम खाते हैं। अगर हम मतलब जब भी हमें दालमा मिलता था ना कहीं पे भी खाने में, तो उसके साइड में नींबू मिर्ची नमक उसको ऐसे माख लो और खा भाई, और नहीं बोल सकती। और ये है बूंदे का रायता। बूंदी का रायता मुझे तभी अच्छा लगता है जब बूंदे घर पे फ्राई हो, क्योंकि फिर मुझे उसमें तेल का वो स्मेल नहीं होता। बट ये रखा हुआ था पैकेट, और तो मैंने सोचा कि चलो आज नॉट बैड, खराब नहीं है, अच्छा है, ठंडा ठंडा। चलो सबसे पहले चलो लेते हैं दालमा फर्स्ट। ये वाला दालमा मम्मी ज्यादातर नहीं बनाती है, क्योंकि हमें ना वो बहुत सारा मटर वटर डाल के जो है वो ही अच्छा लगता है, भैया को भी मुझे भी,
हमें वो अच्छा लगता है। नारियल डाल के हम ज्यादातर नहीं बनाते, बट मेरे भैया को नारियल डाल के अच्छा लगता है। जब भी उसके फ्रेंड्स के यहाँ खाता था, आके बोलता था, मम्मी आज मैं नारियल वाला डालमा किसी के घर में तो खा के आया हूँ, तो उसको अच्छा लगता था। देखो चलेगा, मुझे मेरी मम्मी का हाथ का जो डालमा है ना वो ज्यादा अच्छा लगता है। बट दिस इज एक टिपिकल ओडिया घर का डालमा जो मेरी फ्रेंड ने कहा कि कभी ये भी बना, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट। माँ आशो खाओ, मम्मी भी खाई नहीं है, बट मम्मी वेट कर रही है क्योंकि मैं फैन वैन बंद क्यों ना, फिर आप लोग को सुनाई भी नहीं देता अच्छे से, तो और इसीलिए मैंने आशो ना अम्मा वही घोरे खाओ, अच्छा नहीं लगता मम्मी। तो सबको साइड में ले लेते क्योंकि ये सारा जो है साइड डिश की तरह खाऊंगी आज मैं, क्योंकि मैंने उनको कभी 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 भी ऐसे हम जैसे राइस के साथ अलग से मांग के खाते हैं, मैंने कभी उनको देखा नहीं वैसे खाते हुए। कुछ तो गिराऊंगी ऐसा लग रहा है। सबसे फेवरेट अगर कुछ है तो दैट इज आलू का चोखा। मैंने मम्मी को बोला था कि 3-4 तो आलू दे दो यार बॉयल में, बट मम्मी कम ही दी है, पर मेरे को अच्छा लगता। मैं तो नूने बाग छोटा था ना, यहाँ पे दो, मैंने जो सबसे पहला बाइट लेना वो भी नमक के साथ ही लेना, थोड़ा सा दो तो इधर, हाँ पता है थोड़ा सा, तो मैंने नमक कम ही डाला है ताकि मैं अलग से नमक डाल के खा सकूं। ओके सो लेट मी टेक द फर्स्ट बाइट। थोड़ा सा आलू ले लूँ, थोड़ा सा साग ले लूँ और उसको अच्छे से बाइट बनाऊं। माय गॉड मैं बता नहीं सकती कितना अच्छा लग रहा है। वैसे ये डालमा मेरे लिए सरप्राइज नहीं है, मैंने ऐसे डालमा अपने फ्रेंडों के यहाँ बहुत खाया है, बट अगर आपने मेरे पहले जैसे मैं डालमा दिखाती थी अगर वो खाए हो तो ये थोड़ा सा अलग लगेगा आपको, और बहुत हेल्दी है यार। आप इसको रोटी पराठा, सही में रोटी पराठा और राइस के साथ तो आराम से खा सकते हो। इट्स टू गुड टू यम। साग, आई जस्ट लव दिस साग। मान लो आज तो बहुत खाना हो जाएगा। नारियल डाल में कभी कभार तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। टू यम यार। और ये साग टू गुड। मैं क्या बताऊं, खुद का क्या ही तारीफ करूंगा। प्रॉन फ्राई, थोड़ा सा बूंदे का रायता भी लेते हैं। क्या टेढ़ा बैठी हूं मैं। खट्टा ठंडा तीखा झाल नमकीन सब है। टू यम। दारू नजमा डालता ना खाता दाओ ना बस बजाओ नहीं। मेरी माँ को आप एक बार मना करना, दूसरी बार इतना सा भी हो तो डालेंगी, मतलब डालेंगी। मेरा ना पेट भर गया था फिर भी मैंने लिया। अब बताओ जो भी कोई ओडिया है जो मुझे देख रहे होंगे और अगर उन्होंने आज दालमा नहीं खाया हुआ तो उनको बड़ा लोभ लग रहा होगा यार। गरम गरम अरुआ राइस और दालमा। मेरी मम्मी भी बोल रही थी, मेरी मम्मी को भी ना आप वो जो सारा हम लोग मटर वटर डाल के करते वही अच्छा लगता है। मैं बोलती अच्छा लगेगा कि नहीं, मैं बोली खा के देखो मैं बना रही हूँ। इसे खा के मैं आराम से सो जाऊंगी। आलू चोखा के बारे में क्या बताऊं अलग से आप।
ये साग के बारे में तो बताऊंगी, मैं बड़ा पसीना हो रहा है, मेरा मुंह वैसे ही ऑयली है और ऊपर से जब मैं फैन ऑफ करके खाती हूँ तो मैं भी जब देखती हूँ मैं सोचती हूँ इतना पानी पानी क्यों लग रहा है। बट मैं क्या करूँ, मैं स्किन वैसे भी मेरे फेस वाला जो स्किन मतलब फेस वाला जो स्किन है ये वाला जो एरिया है हमेशा ऑयली रहता है। मैं इसे आराम से खत्म करती हूँ, नेक्स्ट उसी वीडियो में नेक्स्ट चीज लेके आती हूँ। अब मैं इसे आराम से सुकून से खा के सो जाऊंगी। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट इस वीडियो पे। टिल देन हैप्पी ईटिंग, हैप्पी कुकिंग, हैप्पी डूइंग व्हाटएवर यू डू इन द वर्ल्ड, बी हैप्पी, बी सेफ, खेलो कूदो, खाओ, मजे करो।